हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, हम बीपीएसई 146 बुक का खंड 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कर ली है। यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है। इस वीडियो में हम यूनिट 2 करने वाले हैं, तो आइए गाइस यूनिट 2 को डिटेल में स्टडी करते हैं। गाइस, हमारी यूनिट टू है संघर्ष के स्रोत। गाइस, हमने पिछली यूनिट में जाना संघर्ष होता क्या है, संघर्ष का अर्थ क्या है, संघर्ष से हम क्या समझते हैं, वो हमने डिटेल में किया। तो हम संघर्ष के उत्पन्न होने के कारणों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। संघर्ष कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन सी वो कंडीशंस हैं जहाँ पे संघर्ष उत्पन्न होता है, कौन से कारक हैं, उनसे क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं उन कारकों से, वो हम डिटेल में जानेंगे। और दक्षिण एशिया यानी कि भारत, दक्षिण एशिया भारत पाकिस्तान के बीच के संघर्ष को भी हम समझेंगे। तो आइए गाइस हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहले थोड़ा परिचय देख लेते हैं इसका। परिचय में गाइस थोड़ा आइडिया हो जाएगा हम इस यूनिट में क्या करने वाले हैं। संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है, संघर्ष होता है मानवीय संबंधों या सामाजिक स्थितियों की वजह से उत्पन्न होता है, उन्हीं के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस इकाई में। ये रचनात्मक भी हो सकते हैं, विनाशकारी भी हो सकते हैं। संघर्ष ना तो अच्छा होता है ना तो बुरा होता है। संघर्ष की अनुपस्थिति बातचीत की अनुपस्थिति को संकेत देती है, यानी कि अगर संघर्ष नहीं है किसी बातचीत में तो उसको एक सार्थक बातचीत हम नहीं कह सकते। तो हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था कि संघर्ष होता है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक ही टॉपिक को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, उसी को हम संघर्ष बोल रहे हैं। उसी के रीज़न को हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। संघर्ष में विनाश भी हो सकता है, रचनात्मक गतिविधियाँ हो सकती हैं, सकारात्मक गतिविधियाँ हो सकती हैं, सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। वो कैसे कैसे होंगे वो अब हम जानेंगे, उनके परिणामों के बारे में भी जानेंगे। हमारा इस यूनिट का उद्देश्य यही रहेगा कि हमें किसी भी संघर्ष के समाधान के लिए संघर्ष कैसे उत्पन्न हुआ ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए हम उन स्रोतों के बारे में जानेंगे जहाँ से संघर्ष उत्पन्न होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में कैसे खतरे सामने आ सकते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं संघर्ष के स्रोत वन। स्रोत वन में आ जाते हैं आर्थिक संघर्ष, यानी कि आर्थिक स्थितियों से रिलेटेड, उसके अलावा मूल्यों से रिलेटेड, शक्ति से रिलेटेड आ जाते हैं, संसाधनों से रिलेटेड आ जाते हैं। तो इन्हीं सब को हमने स्रोत वन में रखा है। स्रोत वन में हम पढ़ते हैं आर्थिक संघर्ष। तो आर्थिक संघर्ष में दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा आ जाती है, यानी कि कंपटीशन आ जाता है किसी एक चीज़ को पाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, दुर्लभ संसाधन ये उसी प्रतिस्पर्धा से बन जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया जो इंडिया में नहीं होता है, वो बाहर से लेना पड़ता है। तो आउट ऑफ कंट्री उसे दे ना दे वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन उसको लेना है तो उसमें बहुत सारे देश उसको लेना चाहते हैं जिनके पास नहीं है, तो वो एक कंपटीशन हो गया कि वो किसको कितना देगा। तो ऐसे में आर्थिक संघर्ष आ जाता है। मूल्य संघर्ष की अगर हम बात करें, मूल्य यानी कि वैल्यू, कितनी वैल्यू होती है किसी के विचार की, बातों की, किसी सिद्धांत की, किसी प्रथा की, तो मूल्यों में आ जाते हैं बेसिकली जिसमें लोग विश्वास करते हैं ऐसी गतिविधियाँ, जिसमें प्रथाएं आ जाती हैं, सिद्धांत आ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों को मूल्य संघर्ष बोला जाता है, किसी प्रथा को लेकर, किसी प्रथा को तोड़ने को लेकर जो संघर्ष किया जाए वो मूल्य संघर्ष में आता है। नेक्स्ट आता है गाइस शक्ति संघर्ष। शक्ति संघर्ष में सामाजिक परिदृश्य में अपने प्रभाव को बनाए रखने, अधिकतम करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि जब शक्ति संघर्ष होता है तब प्रत्येक पक्ष रिश्ते, सामाजिक परिदृश्य, यानी कि अपने आप को बड़ा दिखाना, अच्छा दिखाना, प्रभावशाली दिखाना शक्ति संघर्ष में आ जाता है। उसके लिए जो मेहनत की जाती है वही, एक पक्ष तभी मजबूत होगा जब दूसरा कमज़ोर होगा या दूसरे को गिराने में लगे रहेंगे, वो वाला संघर्ष शक्ति प्रदर्शन हो गया एक तरीके का, और या फिर अपने आप को ऊपर दिखाने में लगे रहेंगे।
तो ये आ जाता है शक्ति संघर्ष में। इस प्रकार एक शक्ति संघर्ष होता है जो आमतौर पर जीत या हार पर ही समाप्त होता है, जैसे कि इलेक्शन में होता है, या तो कोई पार्टी दूसरी को नीचे दिखाती है या फिर अपने आप को ऊपर दिखाती है, और एट लास्ट इलेक्शन जीतने और हारने पर सारी बात खत्म हो जाती है। निरंतर तनाव स्थिति के साथ कायम रहता है, यानी कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है वैसे वैसे तनाव बढ़ता जाता है। जब भी एक या दोनों पक्षों में आपसी रिश्तों में शक्ति का दृष्टिकोण अपनाते हैं, व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों के बीच ये शक्ति संघर्ष हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन के टाइम दो पार्टियों में ही हो, ये दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, जैसे कि दो पड़ोसी हो गए, एक उससे ज़्यादा करेगा एक उससे ज़्यादा करेगा, या फिर एक उसको नीचा दिखाएगा एक उसको नीचा दिखाएगा। हो सकता है कि ये दो राष्ट्रों के बीच में भी हो, जैसे कि पाकिस्तान और भारत में होता ही रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है वो तो सभी ही जानते हैं। सभी पक्षों के संघर्ष में शक्ति संघर्ष उपस्थित रहता है। अगर दो पक्ष हैं या फिर दो से ज़्यादा पक्ष हैं तो वहाँ पे शक्ति होगी, सभी को शक्ति चाहिए, कमज़ोर को तो वैसे ही गुलाम बना लिया जाता है। यही आ जाता है शक्ति संघर्ष में। अप्रभावी संचार संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। जो संघर्ष में अप्रभावी संचार है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट निभाता है। जहाँ कोई बुनियादी संगति नहीं होती, गलतफहमी वहाँ भी संघर्ष करवा सकती है। अप्रभावी संचार मतलब जहाँ नहीं है बट है, जो नहीं है वो है, ऐसी स्थिति को हम गलतफहमी कह सकते हैं। गलतफहमी की वजह से जो संघर्ष हो रहा है उसे हम यहाँ पे अप्रभावी संचार कह सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष स्थिति में तथ्यों के बारे में अलग अलग पक्ष की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, जैसे कि घरों में हो जाता है गलत, एक को अगर गलत फहमी होगी तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन को कोई एक्सप्लेन किया हुआ कोई मानेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, ऐसी धारणाएं बन जाती हैं, इसलिए कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता, समाधान संभव ही नहीं है, क्योंकि कारण ही गलतफहमी है, तो गलतफहमी की तो कोई दवा नहीं होती, ना ही गलतफहमी का कोई सलूशन होता। आत्म केंद्रिता, चयनात्मक धारणा, भावनात्मक पक्षपात, पूर्वग्रह आदि इस प्रकार के बल हैं जो हमें दूसरे पक्षों की धारणाओं से अलग ले जाते हैं। किसी विषय पर हमारी क्या धारणा है, यदि यह बात दूसरे पक्ष को हम स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से नहीं समझा पाते तो भ्रम, आहत और गुस्से की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते संघर्ष बन जाता है। यानी कि मान लो कि कोई आके बोलता है घर पे कि आपका लड़का बेकार है, तो जो माँ है वो भावात्मक तरीके से सोचती है ऐसा कुछ नहीं है, और वो उसको सुना देगी, जो भी पड़ोसन होती है वो सुना देगी, या फिर घर का कोई भी सदस्य है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि ये ऐसा है तो वो पड़ोसन को सुना देगी, ऐसी स्थिति में लड़ाई हो जाती है, यानी कि संघर्ष हो जाता है एक तरीके का। संचार समस्याओं के कारण हो सकता है, अवधारणाओं के कारण हो सकता है, इसमें शामिल पक्षों को यह वास्तविक लगता है, यानी कि दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी बातें रियल लगती हैं, दोनों ही पक्ष के बीच रियलिटी को लेके लड़ाई हो जाती है, या फिर गलतफहमी की वजह से लड़ाई हो जाती है। इसके अलावा एक अन्य स्रोत है संघर्ष में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, ये तो हमने पहले पढ़ा ही था, ये छोटे से शुरू होता है और तीव्रता से बढ़ता ही जाता है। संघर्ष में वृद्धि संघर्ष का एक और बड़ा स्रोत है। संघर्ष है छोटा सा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी संघर्ष बढ़ने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरा मुद्दा विभिन्न पक्षों के संघर्ष के बारे में क्या कहता है उसको बढ़ावा देता है। यानी कि एक मुद्दा है और उसके अलावा एक और मुद्दा आ गया उन दोनों के बीच,
तो वो उस संघर्ष को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है, संघर्ष में वृद्धि करता है। हम कह सकते हैं दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, पहले दिन लड़ाई हुई एक टॉपिक पर, अपने अपने घर चले गए, दूसरे दिन लड़ाई हुई किसी और टॉपिक पे। ऐसे संघर्ष बढ़ेगा, यानी कि ऐसे लड़ाई बढ़ेगी, दोनों में दुश्मनी बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में संघर्ष वृद्धि होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। संघर्ष में वृद्धि होने से डरने और रक्षात्मक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। दुश्मनी के चलते दोनों एक दूसरे से डरेंगे भी और एक दूसरे अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करेंगे भी। धमकी से प्रतिशोध की भावना में वृद्धि आती है। उसके अलावा अगर दोनों में लड़ाई हुई है तो दोनों एक दूसरे को धमकी भी देंगे और यह एक चक्कर जितनी बार भी घूमता है धमकी और प्रतिशोध और भी खतरनाक होता जाता है। यानी कि दो मुद्दे आ गए दोनों के बीच, अगर एक और मुद्दा आ जाए, एक और विवाद आ जाए, एक और लड़ाई का रीज़न आ जाए तो लड़ाई और भी बढ़ेगी, एक और रीज़न आ जाए उसके अलावा और भी बढ़ेगी। यानी कि इसमें अगर कोई एक टॉपिक और जुड़ता है तो नेक्स्ट स्टेप वृद्धि हो जाती है, यानी कि लड़ाई और भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर हम जाने स्रोत टू के बारे में, संघर्ष के स्रोत टू के बारे में, तो इसमें आ जाते हैं व्यक्तिगत, समूह, पक्ष, राज्य, राष्ट्र हो सकते हैं, मानव आधारित होते हैं। ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्व्यक्तिगत संघर्ष हमने पिछली यूनिट में बहुत अच्छे से किया था, यहाँ भी जान लेते हैं। अंतर्व्यक्तिगत संघर्ष तब होता है जब दो लोग के रिश्ते में संगत आवश्यकता, लक्ष्य या दृष्टिकोण होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दो लोगों के बीच में जो आवश्यक लक्ष्य हैं, दृष्टिकोण हैं, वो अलग अलग हैं। यहाँ पे असंगत आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। असंगत आवश्यकताएं, लक्ष्य और दृष्टिकोण हैं। यानी कि दो लोग एक ही टॉपिक को लेकर अलग अलग राय रखते हैं, या फिर दो ग्रुप, दो राष्ट्र, दो पक्ष एक ही टॉपिक को लेकर अलग अलग अवधारणाएं रखते हैं। ऐसी कठिनाइयों को रोकने और सुलझाने में संचार कौशल सीखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए, अंतर्व्यक्तिगत संघर्ष को रोकने के लिए, इसको सुलझाने के तरीकों को भी सीखना ज़रूरी होता है। कुछ लोग के बीच एक वास्तविक मतभेद हो जाते हैं, बेहतर संचार के द्वारा हल नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो ना समझौता करते हैं, ना विवाद को निपटाना करना चाहते हैं, तो उनसे निपटने के लिए उद्देश्य, मूल्य, शैलियों में काफ़ी बदलाव लाना होता है। इसे व्यक्तित्व संघर्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो पक्षों में सत्ता की अत्यधिक आवश्यकता है और दोनों ही एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं एवं दोनों को संतुष्ट करने का कोई रास्ता नहीं है, तो संघर्ष की शुरुआत होती है, शक्ति संघर्ष की शुरुआत होती है। अंतर्व्यक्तिगत शक्ति संघर्ष में सामान्यतः रणनीति इस्तेमाल की जाती है। इसमें पुरस्कार और दंड, धोखे, चोरी, धमकियां, भावनात्मक ब्लैकमेल, चापलूसी और अपेक्ष का अतिरंजित उपयोग शामिल है। यानी कि हर एक गैर कानूनी तरीका अपनाया जाता है शक्ति प्रदर्शन के लिए, या फिर पुरस्कार, या फिर अपने आप को बड़ा करने का कोई भी झोल इसमें शामिल है शक्ति प्रदर्शन में। अनसुलझे सत्ता संघर्ष आमतौर पर अपनी पुनरावृत्ति करते हैं और संबंधों को टूटने तक बढ़ाते जाते हैं, फिर संबंध टूट जाते हैं। ये आपस में दो इलेक्शन पार्टीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, कि अपने आप को इलेक्शन जितवाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं या फिर खुद को ऊपर दिखाते रहते हैं। इसके अलावा आता है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष में उन व्यक्तियों के बीच भूमिका की परिभाषाओं, अपेक्षाओं या जिम्मेदारियों में बहुत अंतर, वास्तविक अंतर शामिल है। यानी कि जो एक समाज व्यवस्था में एक दूसरे पर निर्भर हैं
या फिर हम कह सकते हैं किसी संगठन में भूमिका परिभाषाओं में अस्पष्टता। संघ मतलब एक पार्टी है, एक संगठन है, एक समूह है, उसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कुछ क्लियर नहीं है। जिम्मेदारियों की अस्पष्टता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अस्पष्टता, मतलब कि कुछ क्लियर नहीं है किसको क्या करना है। तो लोगों के बीच अंतर व्यक्तिगत संघर्ष शुरुआत हो जाता है, यानी कि जब कुछ क्लियर ही नहीं है तो सभी अपने आप को बड़ी पोस्ट पे रखना चाहते हैं। इसी वजह से बड़ी पोस्ट के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। दुर्भाग्य से संघर्ष को अक्सर भूमिका संघर्ष के बजाय अंतर व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में समझा जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसके रूप में देखा जाता है इसको। लेकिन दो या दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष और भूमिका संघर्ष में क्या डिफरेंस है? दोनों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ही संघर्ष होता है, लेकिन जो भूमिका संघर्ष होता है उसमें वो दोनों व्यक्ति एक ही संगठन से होते हैं, एक ही संगठन से बिलोंग करते हैं, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। भूमिका संघर्ष में भावनात्मक तीव्रता अक्सर काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि लोग व्यक्तियों के रूप में शामिल होते हैं जिसकी संघर्ष निजी कृति हो जाती है। यह राष्ट्रों के नेतृत्व पर भी लागू होता है, यानी कि जब अपने ऊपर ले जाते हैं इस पार्टी के किसी भी संगठन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को पर्सनली ले जाते हैं, लड़ाई को पर्सनली ले जाते हैं, तब ये भूमिका संघर्ष काफ़ी अधिक हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें अंतर समूह संघर्ष की, यानी कि दो समूहों के बीच, दो जातियों के बीच, दो नस्लों के बीच लड़ाई हो रही है, उसी को हम यहाँ पे अंतर समूह संघर्ष बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी दो राष्ट्र हो सकते हैं, दो समूह हो सकते हैं, दो पार्टी हो सकती हैं। संसाधनों की सीमितता के लिए आपस में योग्यता अंतर समूह के संघर्ष का मुख्य स्रोत है, यानी कि संसाधनों की वजह से अंतर समूह में अधिकतर संघर्ष करने का एक मुख्य स्रोत है संसाधन। संसाधन संघर्ष में सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सदस्यों की अवधारणा रूढ़िबद्ध होने लगती है और उनमें एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव की भावना विकसित होने लगती है, जैसा कि हम जातीय भेदभाव में देख सकते हैं, नस्ल भेदभाव में देख सकते हैं, दो पार्टियों के बीच में भी हम इसको देख सकते हैं। विनाशकारी अंतर समूह संघर्ष सामाजिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार से समाज के लिए एक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये भेदभाव जैसी कंडीशंस को पैदा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुपक्षीय संघर्ष की, तो इसमें विभिन्न हित समूहों और संगठनों में संसाधन प्रबंधन और नीति के विकास पर अलग अलग प्राथमिकताएँ होती हैं, तब समाज में बहुपक्षीय संघर्ष पैदा होता है, यानी कि बहुत सारे संघर्षों के बीच किसी एक टॉपिक को लेकर अलग अलग राय हैं और उसी को लेकर बहुपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। इसमें डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसके निपटारे के लिए अधिक सहयोगी तरीकों से आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर वैश्विक स्तर पर राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होता है, यहाँ राज्यों का मतलब राष्ट्र से है, यानी कि देशों से है। वैश्विक स्तर पर देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होता है। संसाधनों के लिए प्रतियोगिता निश्चित रूप से एक भूमिका निभाती है, लेकिन मूल्य और शक्ति संघर्ष अक्सर अंतर्निहित होते हैं, यानी कि मूल्य और शक्ति किसी भी देश के वैल्यूज़, किसी भी देश के प्रथाएं, किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश की शक्ति कितना प्रबल है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है दिखाना। कभी भी अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए कूटनीति चैनलों
के माध्यम से ये मतभेद स्पष्ट रूप से लगातार और नियंत्रण लो और दो धमकी और प्रति धमकी के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। इस तरह की कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकृतियाँ जो पारस्परिक और अंतर समूह संघर्ष की विशेषताएं हैं होती हैं बढ़ती हैं। व्यवसायी संघों और राज्यों के संघर्ष के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि राज्यों की प्रतिस्पर्धा शांति और युद्ध के एक नाटकीय परिवर्तन से चिन्हित होती है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। युद्ध कूटनीति का एक विस्तार है, यानी कि युद्ध में कूटनीति का होना ज़रूरी है। कूटनीति और युद्ध की प्रणाली की एकता और इसके दो तीव्र रूप से विपरीत प्रतिमानों को मान्यता देती है, यानी कि युद्ध और कूटनीति दो प्रणालियां हैं जिनको जिनके साथ कोई भी संघर्ष जीता जा सकता है। हमारे पास वास्तव में दो प्रणालियां हैं, एक कूटनीति और दूसरा युद्ध, जिसमें हर एक बिंदु पर पहुंचता है जहां यह दूसरे को वृद्धि देते हैं ताकि इन दोनों में बराबर बदलाव न हो। यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार शांति के बजाय कूटनीति शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुप्त उलझन प्रणाली का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें युद्ध की, तो युद्ध बिना किसी संघर्ष या अहिंसा निष्पादन के लिए काम करने के लिए वाली एजेंसी व्यवस्था को यथावत बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा सामाजिक घटना के रूप में युद्ध का महत्व केवल यह नहीं कि यह एक राजनयिक संबंध में बिगड़ती हुई सीमा रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कूटनीति संबंधों का तनाव एक पक्ष या दूसरे पक्ष के लिए असहनीय हो जाता है, तब यह राजनयिक संबंधों में स्वयं हर समय विद्यमान खतरे को प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि युद्ध केवल वो नहीं है जो कि बॉर्डर्स पे लड़ा जाता है, युद्ध कहीं भी हो सकता है, राजनीतिक संबंधों में हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। राजनयिक संबंध शांतिपूर्ण है यह युद्ध की स्थिति में इससे आसानी से समझा जा सकता है। राजनयिक संबंधों के संचालन में युद्ध के खतरे का प्रभाव कितना अधिक है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच संबंधों में युद्ध का खतरा नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और रूस के संबंधों में युद्ध का खतरा हमेशा विद्यमान रहता है, ये एक एग्जाम्पल है। हमने अभी जाना कि संसाधनों और मुद्दों पर मतभेद होने से संघर्ष होता है। संसाधन और मुद्दों संबंधी संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, मूल्य संघर्ष, शक्ति संघर्ष, अप्रभावी संचार मतभेदों के बढ़ने के कारण होते हैं। संघर्ष मानव स्वभाव और पारस्परिक अंतर समूह मतभेदों के कारण उत्पन्न होते हैं। मानव आधारित संघर्ष में अंतर व्यक्तिगत संघर्ष शामिल है, भूमि का संघर्ष, अंतर समूह संघर्ष, बहुपक्षीय संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं एग्जाम के लिए। वैश्विक स्तर पर राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होते हैं जिसे युद्ध का खतरा उत्पन्न होता है। शांति के समय राज्यों द्वारा की जाने वाली कूटनीति संघर्ष का एक गुप्त रूप है, जबकि युद्ध खुला संघर्ष होता है। यानी कि कूटनीति भी संघर्ष का ही एक रूप है जो कि गुप्त रूप से किया जाता है, और युद्ध एक संघर्ष का खुला रूप है। युद्ध का खतरा हर समय बना होता है जो राजनयिक संबंधों पर आधारित होता है। आइए गाइस जानते हैं कौन कौन से खतरे हैं जो युद्ध के लिए बने रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में खतरों के प्रकार जान लेते हैं। तीन प्रकार के खतरे हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में: सजा का खतरा, विजय का खतरा और विनाश का खतरा। सजा के खतरे में गाइस ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें न तो हम जीत सकते हैं और ना हम विनाश कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सजा का खतरा उत्पन्न होता है जिसमें एक राष्ट्र की सैन्य कृतियों से दूसरे के लिए चीज़ों को असहज बना देता है, यानी कि मुश्किल बना देता है। एक पक्ष में दूसरे पक्ष के जैसा ही नुकसान उठाना पड़ता है, यानी कि दो
देश अगर लड़ रहे हैं, दो पक्ष अगर लड़ रहे हैं, तो दोनों को इक्वल ही खतरा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इक्वल नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीड़ित पक्ष इसे कभी भी सच नहीं मानता, यानी कि जो एक्चुअली में जिसके ऊपर हमला किया गया है वो इसको उतना नहीं दिखाता कि इतना नुकसान हुआ है, जबकि जो जिसने आक्रमण किया है दंड पाने वाले की सज़ा से ज़्यादा होती है, यानी कि जिसने आक्रमण किया है, जिस पर किया है उससे ज़्यादा उस पर खुद पे ही होती है, जिसने किया है उसको ही ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। यह किसी भी जवाबी कार्रवाई से अलग है। जैसे जैसे सज़ा की लागत बढ़ती है वैसे वैसे खतरा कम होता जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान उसको ही हो रहा है। जितना नुकसान वो करना चाह रहा है उतना नुकसान उसका खुद का हो रहा है, या फिर उससे ज़्यादा नुकसान उसका खुद का हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें विजय के खतरे की, तो विजय के खतरे में जब कोई राष्ट्र बिना किसी शर्त के दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं करता, तो विजय का खतरा संभावित हो जाता है। साम्राज्यों के विस्तार में इस खतरे को शक्तिशाली प्रभावी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता, अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहता, या फिर किसी भी तरह के संबंध नहीं बनाना चाहता, तो वो अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने देश की ज़मीन को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर अटैक करेगा, उसे जीतेगा, उसे अपने में मिला लेगा, तो ऐसे में विजय का खतरा की संभावना पैदा हो जाती है दूसरे देश के लिए। भारत में ऐसा ही हुआ था ब्रिटिश शासन के दौरान। प्राचीन रजवाड़ों को मिश्रण करके वास्तविक खतरे को उत्पन्न किया, और विजय के खतरे में संयोजन करके प्रभावी उपयोग का उदाहरण है। यानी कि ब्रिटिश राज में ऐसा ही हुआ था, सभी रजवाड़ों को मिक्स कर लिया और उसके बाद सभी को जीत लिया। खतरा हमेशा प्रमुख शक्ति द्वारा विजय का नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा शक्तिशाली शक्ति ही जीतेगी। कभी कभी यह खतरे में पड़ने वाले देश किसी प्रतिद्वंद्वी को ही जीत लेते हैं, यानी कि जिसको जीतने जा रहे हैं उसी को ही जीत लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। अमेरिका उन्हें अपने, जैसे कि अमेरिका के आसपास के जो देश हैं पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र, इसका एक एग्जाम्पल है। तो अमेरिका द्वारा जीता जाने का कोई डर नहीं है उन देशों को, अमेरिका उनको नहीं जीतेगा, क्योंकि अमेरिका को ऐसा कोई लालच नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं अमेरिका की ऐसी राजनीतिक संरचना नहीं है कि उनको वो देश शामिल करने हैं अपने अंदर, ऐसी कोई इच्छा नहीं रखता अमेरिका। इसके अलावा उन्हीं देशों के लिए अगर रूस की बात करें, तो रूस की तरफ से उनको डर है, रूस से उनको डर लगता है। इसमें पोलैंड और हंगरी देश ज़्यादा डर लगता है रूस से, क्योंकि ये रूस की रणनीति में शामिल है विस्तार करना देश का। इसके अलावा हम जान लेते हैं विनाश के खतरे को। विनाश का खतरा एक सबसे महत्वपूर्ण तीसरा खतरा है जिसमें विनाशकारी प्रभाव देख सकते हैं। यह पूरी तरह से नया नहीं है, लेकिन यह पृथ्वी के सभी जीवन को नष्ट करने की सक्षम परमाणु हथियारों के विकास करने के साथ नई तीव्रता पर पहुंच गया है। यानी कि यह पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर सकता है, पूरी पृथ्वी पे जीवन को ख़त्म कर सकता है, ऐसी स्थिति इसमें आ सकती है। दुर्घटनावश या किसी गलत सूचना के कारण आज भी दुनिया कुछ ही घंटों में ख़त्म हो सकती है, कुछ ही घंटों में नष्ट हो सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके इन तीनों के अलावा कुछ अन्य खतरे हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। आक्रामक और रक्षात्मक हथियारों का खतरा, दो तरह के खतरे हैं जिनमें अंतर करना आसान नहीं है, लेकिन हम फिर भी आसान तरीके से करते हैं। रक्षात्मक तरीका, यानी कि जिसमें हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण को रोकने के लिए हम सिर्फ अपनी सुरक्षा में, अपने डिफेंस में उसको यूज कर रहे हैं, ऐसे हथियारों को रक्षात्मक हथियार बोलते हैं।
जिससे ना हमें नुकसान पहुंचता और ना ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुंचता। तो दुश्मन की क्षमता को कम कर देता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे हथियारों को हम रक्षात्मक हथियार बोलते हैं। इसके उल्ट अगर हम बात करें आक्रामक हथियारों की, तो आक्रामक हथियार क्या करते हैं, दुश्मन के एजेंडों को नष्ट कर देते हैं, एजेंडों को नष्ट कर देते हैं या फिर कुछ हानिकारक गतिविधियां होने लगती हैं। ये भी होता बचाव में ही है, हो सकता है कि दुश्मन को, ये दुश्मन को नहीं मारता, दुश्मन के कुछ एजेंटों को घायल कर देता है, मार देता है, ऐसी कुछ कार्रवाई होती है, उसको हम आक्रामक, ऐसे हथियारों को हम आक्रामक बोल देते हैं। इसका उद्देश्य दुश्मन के एजेंटों को घायल करना है। एक बमबारी या मिसाइल स्पष्ट रूप से आक्रामक हथियार है। इसके अलावा अगर हम बात करें रक्षात्मक हथियार की, तो ढाल, एक शहर की दीवार, एक बंकर पूरी तरह से रक्षात्मक हथियार है। इसके अलावा लड़ाकू विमान होते हैं, वो आक्रामक हथियार होते हैं जो दुश्मन को घायल करने के लिए तैयार किए गए होते हैं। आक्रामक कार्रवाई खतरे की धमकी के प्रति जवाबी प्रक्रिया के लिए होते हैं ऐसे हथियार। हम एक मध्यवर्ती प्रक्रिया आक्रामक रक्षा कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसे हथियार हैं। इसका उद्देश्य धमकी देने वाले के एजेंटों को घायल करना होता है, ना कि धमकी देने वाले को घायल करना। आक्रामक हथियारों के लिए आविष्कारों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, इसी वजह से इतिहास से लेकर अभी तक आक्रामक हथियारों के प्रौद्योगिकरण में, यानी कि आक्रामक हथियार बनने में ज़्यादा तेज़ी आई है रक्षात्मक की तुलना में। यानी कि रक्षात्मक हथियार कम बनते हैं, आक्रामक हथियार ज़्यादा बनते हैं। आक्रामक की तकनीकी रक्षात्मक की तुलना में ज़्यादा है, यानी कि आक्रामक ज़्यादा तकनीकी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाए गए हैं रक्षात्मक की तुलना में। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आक्रामक हथियार रक्षात्मक हथियार बन सकते हैं, लेकिन जो रक्षात्मक हथियार हैं वो शायद ही आक्रामक हथियार बन पाए। इसी वजह से आक्रामक हथियारों को ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है, ज़्यादा गतिशीलता से विकसित किया जा रहा है रक्षात्मक हथियारों की तुलना में। अगर हम बात करें एक अन्य खतरे की, तो वो है सीमा विवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के सीमा विवादों को बहुत गौर से परिभाषित किया गया है, यानी कि सभी सीमाओं, राष्ट्र की सभी सीमाओं को बहुत ध्यान से बताया गया है कि ये राष्ट्र यहाँ तक है, ये राष्ट्र यहाँ तक है। इसके बाद भी सीमा का कोई भी उल्लंघन गंभीर चिंता का मामला बन जाता है, जैसे कि कश्मीर मुद्दा है, जैसा कि चाइना करता रहता है विस्तार करने के लिए। राष्ट्रों में अस्तित्व या विस्तार के प्रयास को उनके बीच में सीमा पर केंद्रित करके किया जाता है, यानी कि कोई भी देश अपने आप अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, देश का विस्तार करने के लिए, देश के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दूसरे लगते पड़ोसी देशों के राष्ट्रों की ज़मीन को हड़पने के लिए सीमा का उल्लंघन करता रहता है, मतलब कि सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, वहीं से सीमा विवाद उत्पन्न होता है। हालांकि सीमाओं पर मौजूद ढांचे धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं, जिनके कारण तनाव बनता जा रहा है। आखिरकार जब यह केवल कूटनीति से हल नहीं होते, तब युद्ध होता है। जब ये कूटनीतियों से हल नहीं होते, तब ये युद्ध में बदल जाते हैं। युद्ध राष्ट्रीय सीमाओं में एक बदलाव लाता है जो कूटनीति के तहत अस्तित्व में नहीं था, और जब दोनों पक्ष यह सोचते थे कि सीमाओं में समायोजन जो कि इससे उभर कर आएगा, उससे कमज़ोर पक्ष को पर्याप्त हानि नहीं हो रही है, जो उसी युद्ध जारी रखने से हो रही है। युद्ध के बाद की संधि में सीमाओं पर नए तरीके से निर्धारण होता है, जो तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली देश के पक्ष में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नए युद्ध की, ये भी एक अन्य खतरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें क्या होता है, द्विध्रुवीयता का अंत, लोकतांत्रिकरण की नई लहरों का उदय,
आर्थिक शक्ति और सूचनाओं का वैश्वीकरण, सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर अधिकारों के लिए हिंसक अभिव्यक्तिता का उदय, और संप्रभुता की एक नई परिभाषा जो राज्यों पर अपने नागरिकों और विश्व समुदाय की ओर से जिम्मेदारियों को लागू करता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की प्रकृति में बदलाव लाने के लिए ये सभी कारक नए युद्ध की शुरुआत करते हैं, और इसी उभरते हुए संघर्ष को नए युद्धों की संख्या दी गई है, यानी कि इसी को नया युद्ध बोला गया है। संगठित हिंसा के नए रूप की तीव्रता के बजाय उपराष्ट्रों जातीय धार्मिक संघर्ष बढ़ गए हैं, यानी कि हिंसा के नए रीजन बनने के बजाय, उनकी तीव्रता बढ़ने के बजाय उपराष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के अंदर ही जाति और धार्मिक संघर्ष बढ़ गए हैं। ये नए युद्ध केवल युद्ध के मैदान में लड़ने वाली सेना तक नहीं सीमित, बल्कि असैन्य क्षेत्रों में घरेलू मोर्चों पर फैल गए हैं, जिसमें कई गैर राज्य कारक आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं, यानी कि ये आतंकवादी प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूयॉर्क के ट्विन टावर में आतंकवादी संगठन अलकायदा द्वारा किया गया हमला, अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो द्वारा अफगानिस्तान पर की गई बमबारी इस नए युद्ध का हिस्सा है, जिसमें युद्ध क्षेत्र और घरेलू मोर्चों के अंतर को धंधोल कर दिया। इन कम तीव्रता वाले संघर्षों में कुछ जहां दो राष्ट्र सीधे लड़ने में लगे नहीं हो सकते, उन्हें अभी भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जा सकता है, जिसमें धमकी या बल का उपयोग शामिल है। यह नरसंहार को रोकने और मानव अधिकारों के उल्लंघन लोकतांत्रिक शासन के लिए हो सकता है। उदाहरण के लिए बोस्निया, रवांडा, पूर्वी तिमोर में अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही इन सब का एग्जाम्पल है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो खतरे तीन प्रकार के हैं। बेसिकली इसमें सजा का खतरा आ जाता है, जिसमें ना तो जीतते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसे में सजा का खतरा बनता है। दोनों ही पक्ष समान रूप से आहत होते हैं, दोनों को ही समान रूप से नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा बात करें विजय का खतरा की, तो जब एक देश को बहुत ज़्यादा संपन्न हो और जीतने और अपनी सीमाओं का विस्तार करे, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य, तो उसे विजय का खतरा माना जाता है। विनाश का खतरा, पूर्ण विनाश का खतरा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एक साथ ही परमाणु संपूर्ण विनाश कर सकता है, यानी कि विश्व के नष्ट होने का खतरा। अन्य प्रकार के खतरे शामिल हैं रक्षात्मक हथियार, आक्रामक हथियारों की होड़ यानी कि इनकी बढ़ती हुई संख्या, सीमा विवाद अन्य प्रकार के खतरों में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और शांति के लिए एक नया खतरा उभरा है, राष्ट्रीय जाति और धार्मिक संघर्ष, जिन्हें नया युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। इन्हें नॉनस्टॉप एक्टर्स शामिल हैं, जैसे जो आम जनता को तबाह करते हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और आतंकी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिणी एशिया में संघर्ष की, तो ये शुरू होता है बहुत ही पुराने समय से, यानी कि संघर्ष के स्रोत को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें समझने पड़ेगी पहले देशों की संरचना। हम इस उपमहाद्वीपों में विशेष करके भारत, पाकिस्तान और चीन की भूमिका का वर्णन करेंगे, दक्षिण एशिया के संघर्षों में नज़र डालेंगे दक्षिण एशियाई भाग में, जहां पर हम बात करने वाले हैं उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान और चीन की, जिसमें कई सदियों से दक्षिण एशिया क्षेत्र में कमोबेश अलग थलग था। उत्तर में हिंद कुश, काराकोरम और हिमालय पर्वतमाला, और दक्षिण में हिंद महासागर के कारण एक एशिया के बारीक भाग से अलग था बाकी भाग से अलग था एशिया के बाकी भाग से। भारतीय उपमहाद्वीप ने
एक विशिष्ट सभ्यतागत पहचान और विभिन्न स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं के बीच अब महत्वपूर्ण संबंधों के साथ उच्च राजनीति के घटक के रूप में विकास किया। आमतौर पर पश्चिम और मध्य एशिया के से इस उपमहाद्वीप में समय समय पर बाहरी शक्तियों का आक्रमण किया गया है, यानी कि दूसरे देशों ने दक्षिणी एशिया पार्ट पर समय समय पर अलग अलग समय पर आक्रमण करते रहे हैं जो बाहरी शक्तियां हैं। इसमें बेसिकली पश्चिमी और मध्य एशिया के उपमहाद्वीप आ जाते हैं, जिसमें ब्रिटेन विजय हुआ लगभग 200 साल तक दक्षिणी एशिया पर शासन किया। ये तब की बात है जब अंग्रेजों का शासनकाल आया था। इन ज़मीनों में जमीनी और समुद्री हमले के स्रोत अलग अलग थे, लेकिन रणनीतिक व्यवहार सेम थे। हमले अलग अलग थे लेकिन व्यवहार सेम था। आक्रमणकारी या तो यहाँ की संपत्ति लूट कर साथ ले गए या फिर यहीं बस गए और धीरे धीरे स्थानीय सभ्यता में शामिल हो गए। दूसरे क्षेत्रों में संस्थाओं के साथ लड़ते झगड़ते रहे। यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा और दो नए और स्वतंत्र राज्य बने। ब्रिटिश राज के अंत में भारत और पाकिस्तान बंटवारे का सिलसिला जारी रहा। 1947 के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में रणनीतिक वातावरण पर इन दोनों देशों के बीच परस्पर विरोधी व्यवहार हावी हो गए। उसके बाद 1962 में भारत के साथ अमेरिका, रूस और कुछ हद तक चीन के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मुद्दों में अमेरिका, रूस और चीन भी आ गया था। एक तरीके से चीन का हस्तक्षेप भी रहा। ये भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच प्राथमिकता सुरक्षा की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें, उनके कम तीव्र के संघर्ष बहुत अधिक दिखाई दिए, तो इसमें कमज़ोर परमाणु क्षमताओं के बावजूद, यानी कि परमाणु शक्ति कम होने के बावजूद भी युद्ध की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दी। चीन और भारत के मामलों में भी कम तीव्रता के संघर्ष हुए। चीन ने लगभग 4 से 5 दशकों तक भारत के उत्तर पूर्व में विद्रोहियों का समर्थन किया और भारत ने ऐतिहासिक कारणों से तिब्बत के तिब्बतियों का साथ दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत के संबंधों में, तो बीच में कम तीव्रता के संघर्ष के मुद्दों के संबंध में दो प्राथमिक मुद्दे रहे, जिसमें कश्मीर मुद्दा है जो वर्तमान में भी चलता ही रहता है, और इसके अलावा दूसरा मुद्दा था सत्ता में सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय, क्योंकि दोनों भारतीय और पाकिस्तानी निर्णय एक दूसरे पर निर्भर करते थे और इसलिए कश्मीर के संबंध में लिए गए तत्कालीन पाकिस्तान विकल्प और भारतीय परंपरागत प्रतिशोध की भावना इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने की संभावना पर निर्धारण करती है। आइए गए सारांश भी पढ़ लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा हमने क्या पढ़ा। इस इकाई में हमने स्रोतों के बारे में जाना जो विभिन्न प्रकार के टकरावों के कारण बनते हैं। पहले प्रकार में हमने जाने भौतिक, वैचारिक और प्रेरक स्रोत, जिसमें आर्थिक संघर्ष, मूल्य संघर्ष, शक्ति संघर्ष, अप्रभावी संचार के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष, संघर्षों के बढ़ने के कारण के बारे में जाना, और दूसरे श्रेणी में हमने जाना किन कारणों से वर्गीकृत हुए, अंतर्व्यक्तिगत संघर्ष, भूमिका संघर्ष, अंतर समूह संघर्ष, बहुपक्षीय संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में बढ़ते हुए खतरों के बारे में जाना, उनके कारणों के बारे में जाना, जिसमें आ जाते हैं सजा का खतरा, विजय का खतरा, विनाश का खतरा, आक्रामक, और यहाँ पर ये आक्रामक है, मार्क लिखा हुआ है, आक्रामक और रक्षात्मक हथियारों की होड़, सीमा विवाद आदि हो सकते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि भारत और पाकिस्तान, विशेष रूप से चीन, ऐतिहासिक और वैचारिक कारणों से सीमा पर विवाद, मतभेद और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा एक दूसरे में हस्तक्षेप के कारण
संघर्षों में शामिल रहे, ये भी एक संघर्ष का कारण बनते रहे। ये सब हमने इस इकाई में जाना। संघर्षों के प्रबंधन और संविधान के लिए सार्थक प्रयास एक महत्वपूर्ण है, यानी कि किसी भी संघर्ष को सुलझाने के लिए, एक सल्यूशन के लिए, किसी संघर्ष को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनके स्रोतों को और कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किसी भी संघर्ष को सुलझाने के लिए, किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये उत्पन्न क्यों हुआ, क्या कारण था इसके पीछे। उसके बाद ही ये प्रयास, सॉल्यूशन का प्रयास सफल हो सकता है। ये थी गाइस हमारी सेकंड इकाई जो हमने पूरी तरह से पढ़ ली है। इसका हर एक टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कर लिया है। हमारी नेक्स्ट यूनिट जल्द ही आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।